हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन्हीं तीन चीज़ों से एक डिश बना रहे हैं। जो लोग नहीं जानते वो मेरा दो तीन दिन पहले पोस्ट हुआ वीडियो देख लें, जिसमें मुझे चैलेंज मिला था। मैंने उसमें सब कुछ बताया था। ये वही आटे का पैकेट है जो चैलेंज में आया था कि तीन चीज़ों से आपको एक डिश बनाना है और कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो हमने आटे को ले लिया है। आटे को हमने 200 ग्राम लिया है। ये एक वेसल है, इसमें नाप है जो ब्लेंडर के साथ मिलता है वो ही, उसमें हमने 200 ग्राम चक्की वाला आटा लिया है, फॉर्च्यून का। यही आया था, ये आया था, मिल्क मेड आया था और फॉर्च्यून का ऑयल आया था, सोयाबीन ऑयल। ईट आटे को हमने नाप कर ले लिया है ताकि आसानी रहे। फिर हमने जो मिल्क मेड का डिब्बा आया था, अमूल मिठाई मेड, वो लिया है हमने। वो हमने इसमें दो बड़े चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम बढ़ कर सकते हैं। मीठा ज़्यादा लेते हैं तो थोड़ा और डाल लें, क्योंकि ये बहुत लाइट मीठे थे, और फीका लेते हैं तो आप थोड़ा सही है। इसको इस तरह से इससे मिला लिया पानी डालकर। हमको इसको पकौड़ियों जैसा बैटर बनाना है, जैसे पकौड़ी होती ना वैसा बैटर। इसको अच्छी तरह से घोल लें। मैंने बस इससे मिलाया ही था। फिर मैंने जो कल फ्लिपकार्ट से हैंड ब्लेंडर मंगाया था परसों, वो ही उसी से मैंने इसको खूब ब्लेंड किया, क्योंकि इसमें हमें कुछ अंडा, दूध, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तो डाल नहीं सकते थे। तो हमने क्या करा कि पहले तो हमने आटे को दूध के साथ, आटे को मिल्क मेड के साथ और पानी के साथ मिलाकर 4 घंटे रखा था। फिर हमने ये ब्लेंडर चलाया। अब हमने एक फ्राई पैन में दो से चार बड़े चम्मच तेल लिया और फिर हमने उस पर इसको बैटर को फैला दिया। जैसे मालपुए या बनते हैं या पैनकेक, तो बिना ऑयल के बनता है वो बनाए। पहले तो ये हमारे मोटे मोटे दही बड़े जैसे लग रहे थे, जैसे दही बड़े आप बनाते हो, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ दही बड़े, बिल्कुल ही देखने में भी ऐसे ही लगते हैं, तो वो लग रहे थे। फिर मैंने इसमें क्या करा कि मुझे ज़्यादा मोटे मोटे लग रहे थे, मोटे भी टेस्ट में सही थे, अगर आप मोटे बनाना चाहें तो बना सकते, लेकिन मुझे पर्सनली पतले पतले बारीक कुरकुरे अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या करा था कि पहले तो ये एक बैच निकाल लिया था ऐसे ही मोटो मोटो का, फिर मैंने उस बैटर में थोड़ा सा पानी डाला और पतला करा। या फिर आप ये कर सकते हो कि ये जो है हम जब इसको तलकर फ्राई करके निकाल रहे हैं दूसरी बार डालेंगे, तो हम उसमें जो है उसको पतला पतला फैलाएंगे, मोटा मोटा नहीं फैलाने देंगे। इससे क्या होगा कि आपके मालपुए क्रिस्पी करारे भी बनेंगे और अंदर से सिके भी होंगे, कच्चे कच्चे नहीं लगेंगे। दो ट्रिक्स हैं, या तो आप पतला कर लें बैटर थोड़ा, या फिर आप जो हो इसको खूब पतला पतला चम्मच से फैला के कर लो, तो इस तरह से हमारे मालपुए तैयार हो जाएंगे। इनको हमने डालकर पतला पतला कर लिया था कि चम्मच से फैला दिया था ताकि पतले से हो जाएं। फिर हमने इनको कुरकुरा होने सेक दिया। और ये दूसरा मेथड लिया, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया ताकि बैटर थोड़ा पतला हो, और फिर हमने इसको तेल में डालकर सेका तो कुरकुरे करारे बने, उस पर खूब मज़े के लगे। ये मोटे मोटे इतने मज़े के नहीं लग रहे थे जितने ये क्रिस्पी करारे वाले मज़े के लगे। आप दोनों में से जौन से चाय बना लें, चाहे आप मोटे मोटे बना लें, फ्लफी होंगे, क्योंकि हमने इन्हें 2-4 घंटे के लिए फर्मेंट किया था ना, इस चक्कर में ये अच्छे बने।
अब हमने इसके ऊपर वही मिल्क मेड को ड्रिजल कर दिया और सर्व कर दिया।